रामधारी खंड 1 एक्सरसाइज 87 और 88 टोटल शब्द 800। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है। मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे, और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उनका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? अध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में, जबकि
देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं। यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमिका किसी को दे करके शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है, वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। देश के विभाजन के समय से लेकर हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है। चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया, उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। उसके पश्चात भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से तय करने का प्रयत्न किया। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा करता है, अगर वही रुख हम भी अपनाते तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध आपसी सद्भाव और नैतिकता के आधार पर ही स्थापित रह सकते हैं। स्टॉप।